नमस्कार सभी पशुपालक भाइयों को मनीष तरण की तरफ से बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर। स्वागत करता हूं आपका। और जो पशुपालक भाई आज हमारी इस वीडियो को पहली बार देख पा रहे हैं वो आपके अपने इस चैनल को सब्सक्राइब करें, पास लगे बेल आइकन को भी प्रेस जरूर करें ताकि आने वाली सभी नई वीडियो की नोटिफिकेशन है वो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। आज की जो ये वीडियो कवर करने के लिए पहुंचे हैं चौधरी डेयरी फार्म पर, आगे की जो प्रॉपर जानकारी है वो लेंगे भाई साहब के साथ। तो आप वीडियो को एंड तक जरूर देखें, अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो आप वीडियो को आगे से आगे शेयर जरूर करें। नमस्कार भाई साहब। नमस्कार जी। सबसे पहले अपना नाम और यहाँ का एड्रेस। अपने फार्म का नाम है चौधरी डेयरी फार्म। हाँ जी। और ये श्री गंगानगर शहर के अंदर है। बिल्कुल ठीक है, मेन गंगानगर शहर के अंदर ही प्रॉपर अपना फार्म है। हाँ जी, 100 फुट रोड है ये, मीरा चौक के बिल्कुल पास में है। 100 फुट रोड, 100 फुट रोड के ऊपर है अपना फार्म चौधरी डेयरी फार्म। और गूगल मैप पे लोकेशन मिल जाएगी? मिल जाएगी, मिल जाएगी जी। ठीक है। और अपने मोबाइल नंबर? मोबाइल नंबर एक तो जी 94142-76546 और दूसरा 94145-79546। ठीक है, ये दो कॉन्टेक्ट नंबर है। हाँ जी। और आज की वीडियो में कितनी भैंसे दिखा रहे हो बिक्री वाली? 4 भैंस दिखा रहे हैं जी। ठीक है। और स्टार्टिंग रेट क्या रहने वाला है? स्टार्टिंग रेट हो जाएगा जी 85,000 रुपए से। ठीक है, 85 से शुरुआत है आज की वीडियो में। सभी है जो बराबर किसी भैंसे है ना जी? हाँ, बढ़िया भैंसे है, एक से एक जैसी रेट की है बिल्कुल। ठीक है। दूध कहाँ से कहाँ तक की है? दूध जी देख लो 13 किलो से लेके 17 किलो तक की भैंस है। ठीक है, आज की वीडियो में 13 से 17 लीटर वाली है। हाँ। अगर कोई भाई बाहर से पशु खरीदना चाहता है दिलवा देंगे? हाँ दिलवा देंगे, रहने खाने की सुविधा हो जाएगा सारा कुछ। हाँ जी, सबसे पहले नंबर पर जो ये भैंस दिखा रहे हो इसके बारे में बताएं डिटेल से। 2 दिन की ब्याई है जी। ठीक है, 2 दिन की ताजा ब्याई है। हाँ जी। और बच्चा क्या साथ में? मेल का कटड़ा है। ठीक है, साथ में कटड़े हैं। हाँ जी। और खीस से पूरी खाली है? खीस से खाली है जी बिल्कुल। ठीक है, खीस से खाली होकर दोबारा बनी है? दोबारा बनी हुई है। 13 लीटर खीस तैयार हो गया इसके खाली होने के बाद। ठीक है, अब 13 लीटर तैयारी के? हाँ, 13 लीटर इसके तैयार है मौके पे। कोई भी भाई आकर निकाल सकता है 2 टाइम 3 टाइम? हाँ जी, अपनी संतुष्टि कर सकता है कोई भी भाई आके। और दूध कितना तक दे देगी? दूध कम से कम देगी तो 16 किलो देगी, कम से कम देगी तो। ठीक है, 16 लीटर कम से कम। हाँ, बहुत ही बढ़िया है ये। तो इधर वाली साइड थोड़ा बिसवाया हुआ है। ठीक है, सुवाई इतनी मुलायम है जी, अंगूठे से मोटी धार है, एक बार और चला दे बोले। और बच्चा कौन सा साथ में? बच्चा इसके ये रहा जी, बिल्कुल ताजा है, बिल्कुल छोटा बच्चा है। ठीक है, ये वाला बच्चा साथ में। और रेट इसका? रेट इसका जी 95,000 रुपए है। ठीक है, 95,000 95,000 रुपए। हाँ, यहाँ का रेट है? यहाँ का रेट है जी विदाउट ट्रांसपोर्ट। ले लिया 95,000 रुपए यहाँ का रेट है। बाकी जो थनों का साइज है और थनों के बीच में जो स्पेस है वो आप नाली से काफी बढ़िया। हाँ, दूध वाली भैंस है जी। के थारी भैंस भी नए दूध को नहीं होंगी, या बार बार फिर जा है या फिर बांझ है, तो टेंशन लेने की कोई जरूरत कोनी। तो अपने पशुआ ने रोजाना राइट मीन 50 ग्राम खुआओ, इन समस्याओं से फिर छुटकारा पाओ और अपने पशु ते हर साल एक बच्चा पाओ। और भी कि मैं पूछना हो था हमने तो इस नंबर पे कॉन्टेक्ट कर लियो 7890042000। और इससे आगे दूसरे नंबर पर छोटे सिंह की झोटी दिखा रहे हो। सेकंड टाइमर है जी। ठीक है, दूसरे भी अंत की है? हाँ जी। और कब की भी आई है? ब्याई होगी जी आज 20-25 दिन की। ठीक है, 20 से 25 दिन की ब्याई है। और कितना दूध अब तैयारी का? इसके जी 12-13 लीटर तैयार है। ठीक है, 20-25 दिन की ब्याई 12-13 लीटर तैयारी का। हाँ, अपने पास तो नहीं आई है, 12-13 लीटर मौके पे दूध तैयार है जी। और बच्चा क्या साथ में? मेल का कटड़ा है। ठीक है, साथ में कटड़ा है। और 12-13 लीटर दूध तैयारी का। हाइट लेंथ है वो बढ़िया हाइट की है, छोटी नहीं है। हाँ जी, बाकी पूरी है जो भारी पीठ पुठे के साथ है। हाँ, और जो थनों का साइज है वो आपके साथ, चुवाई बहुत मुलायम है जी। और जो बिल्कुल ही छोटा सींग है, सुंदर फेस दिखाओ जी, बिल्कुल बढ़िया। अब ऑर्डर दिखाओ पीछे से, बहुत ही बढ़िया चुवाई, बहुत बढ़िया है जी इसकी। और ऑर्डर भी काफी शानदार है। रेट इसका? रेट इसका 85,000 रुपए है जी। ठीक है, 85,000 85,000। हाँ, और इससे आगे तीसरे नंबर पर एक और भैंस दिखा रहे हो। ये ब्याने वाली है जी। ठीक है, ब्याने वाली है अभी। हाँ जी, तीसरे ब्यान पे ब्याने वाली है अभी। ब्याने में कितना टाइम ले जाएगी? ब्याने में अभी ले जाएगी जी 4-5 दिन। ठीक है, 4 से 5 दिन का समय अभी बाकी है। हाँ, बाकी जो थनों के बीच में स्पेस है वो आपके सामने। और बादी आई हुई है ना? बादी थोड़ी ज्यादा आई हुई है जी। ठीक है, क्यों भैंस नहीं आई है सफर से, जब बादी बीच में ज्यादा आ गई। ठीक है, बाकी जो ऑर्डर का साइज है वो आपके सामने। दूध कितना तक दे देगी? दूध जी वो मालिक तो कह रहे हैं 18-19 लीटर का है किसान ने तो। हाँ जी, पर अपने 16-17 ही क्या के देते हैं।
ठीक है 16 से 17 लीटर तक निकाल देगी, बाकी ऑर्डर काफी बढ़िया पूरा, काफी बढ़िया ऑर्डर, बहुत भरेगी अभी 4-5 दिन लेगी। और रेट इसका? रेट इसका 90,000 रुपए है जी। ठीक है 90,000 रुपए यहाँ का रेट है, ट्रांसपोर्ट का चार्ज जो भी भाई खरीदेगा उसका ही लगेगा। हाँ ये देख लो जी चमड़ी बिल्कुल ही पतली चमड़ी है, ये लो। ठीक है कहीं से भी पकड़ लो, कहीं मर्जी से ये लो, पकड़ने जरूरत नहीं है, ऐसे हाथ ले देखो। सही है। और सबसे लास्ट में भैंस दिखा रहे हो, ये जी तीसरे ब्यांत में है। ठीक है थर्ड टाइमर है, 13 लीटर दूध तैयार है इसके। और ब्याई कब की है? ब्याई यही 20-25 दिन की है, महीने की मान के ले कोई भाई ले। ठीक है महीने की मानो ब्याई है। हाँ और बच्चा क्या साथ में? इसके भी मेल काफ कटड़ा ही है जी। ठीक है इसके भी साथ में कटड़ा है, सभी के पीछे कटड़ा ही लगा। हाँ तीन ब्याई है, तीनों के पीछे कटड़े है। और ये महीने की ब्याई है और दूध 13 लीटर अब तैयारी के। आपने पास नहीं आई है 13 लीटर मौके पे तैयार है जी। ठीक है हाइट लेंथ है वो भी काफी बढ़िया हाइट लेंथ के साथ, फुल हाइट लेंथ की है जी। अगर इसमें एक माइनस पॉइंट है, पांचवा थन है इसके। ठीक है अगर वो थन ना हो ना तो 1.25 लाख रुपए की जुटी है जी। बिल्कुल इस साइड है जिस तरफ, हाँ जिस साइड दूध निकालते हैं उसकी दूसरी साइड है। ठीक है ये देखो भाई पांचवा थन है, वो साफ साफ दिखाई दे रहा है। हाँ उसमें क्या है 5-4 धार आती है जी। ठीक है चलता भी है, 5-4 धार आती है। और इसका रेट है? रेट इसका जी 90,000 रुपए की देनी है ये। ठीक है 90,000 रुपए रेट है। और यहाँ का रेट है? हाँ जी यहीं का रेट है जी। ठीक है ट्रांसपोर्ट का चार्ज है वो सब वो अलग रहेगा, अपना हमेशा ही अलग रहता है, अभी भी अलग ही है जी। चुवाई की चारों पशु एक नंबर है जी। ठीक है हाइट लेंथ आप खुद ही दिखा दो, काफी बढ़िया हाइट लेंथ के साथ सभी भैंसे जो लगभग लगभग बराबर की है चारों। हाँ